Hi, I'm Tanishka, all India rank 1 of NEET 2022. As only last 2 months are left for NEET, I thought of giving some basic tips which work for me. चीज से अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा कि मतलब तुम्हें अपनी स्लीप साइकिल थोड़ी अल्टर करनी पड़ेगी, तो वो नॉर्मल है क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स है और ये फाइनल 2 मंथ्स डिसाइड करने वाले तुम अपनी MBBS कौन से कॉलेज से परस्यू करने वाले हो। तो बेसिकली तुम्हें मतलब जो तुम्हारा इंटरनल मोटिवेशन होगा दैट विल हेल्प यू। मतलब ऐसे मत करो कि यू आर टाइम बाउंडेड कि इतने टाइम में हमें इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जस्ट मेक अ आइडिया कि तुम सुबह उठ के डिसाइड करो कि ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो योर डे शुड कम टू एन एंड। तो मैंने नहीं बनाए थे बिकॉज आई थॉट कि अगर पूरे में से आना है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। व्हेन यू डू रिवीजन मल्टीपल टाइम्स द टाइम यू टेक फॉर रिवीजन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो बेसिकली तुम जब शुरू में चैप्टर रिवाइज करोगे तो तुम्हें 2 घंटे लग सकते हैं, 2.5 भी लग सकते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जब तुम रिपीटेड रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हो तो रिवीजन में मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 घंटा लगता है। तो जैसे बायो है तो उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इंस्टेड ऑफ बेसिक नोट्स आई वुड रिकमेंड कि तुम बुक से ही पढ़ो। syllabus our course come to an end in December and in January they started part syllabus test. So jab ek bar sare or they had divided the course into I remember 4 or 6 parts. So jab ek bar wo pura ho gaya tha to mera almost फुल सिलेबस हो गया था। तो आई स्टार्टेड गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट इन फेब्रवरी। आई इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट एज द एग्जाम वॉज अप्रोचिंग। लास्ट टाइम में मैं दिन में 2 मॉक टेस्ट दे देती थी। बेसिकली 11th में आई वॉज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ओलंपियाड्स, बट फिर आई रियलाइज कि अगर मैं वो चीज़ करूँगी तो मेरा नीट वाला इफेक्ट हो रहा था उस वजह से। तो 12th में आई डिडंट डू एनी एज सच स्पेसिफिक प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी, बट मेरे 12th के साथ साथ जैसे मैंने कोर्स कम्प्लीट किया था तो थोड़ा थोड़ा हो गया था। तो KVPY मेरे 11th और 12th दोनों में हो गया था और 12th में मेरी रैंक भी अच्छी थी, इट वॉज 120। और नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ थी मेरा बायो और केमिस्ट्री में 2nd level हो गया था ओलंपियाड में। तुमने सभी चीजें एटलीस्ट एक बार तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए उस चीज का। तो जब तुम 2nd time पे वो चीज पढ़ोगे तो अगर टीचर थोड़ा फास्ट जा रहा है तो दैट विल वर्क फॉर यू कि तुम टीचर के पेस से मैच करके रिवाइज करते रहो चीजों को और तुम्हारा सिलेबस एग्जाम से एटलीस्ट 2-3 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि तुम उसको रिवाइज कर सको और तुम्हारा कोर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। यू शुड गो एंड टॉक टू टीचर्स कि शायद तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो उस चीज की, तो उस टाइम पे तुम जाओगे तो योर टीचर विल हेल्प। जो नेम रिएक्शंस वगैरह थी जो फर्स्ट टाइम में हम वो कोर्स हो जाता है देन यू रियलाइज कि ये क्या हो गया, मतलब तुम्हें इतना सारा वो तुम याद नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम में, तो उस चीज़ से पैनिक नहीं करना। तुम अगर वही रिएक्शंस बार बार रिवाइज करते रहोगे एंड बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन द रिएक्शंस गिवन इन NCERT। JEE में क्वेश्चंस नए पूछते हैं, मतलब वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते हैं, बट इन नीट दे आर मोर लाइक स्पेसिफिक रिएक्शन ओरिएंटेड। वही रिएक्शन बार बार पूछ चुका है तो नीट में नए क्वेश्चंस नहीं आते, तो तुम बेसिकली PYQs की प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम में तुम देखोगे क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे। चलते सच आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर JEE, बट मेरे पास टाइम बचता था, मतलब मैं बोर हो जाती थी नीट वाले से, तो आई यूज टू सॉल्व JEE बुक्स। मैंने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो काफ़ी करी है, तो द थिंग विच हेल्प मी कि अगर मैं ज़्यादा टफ कर लेती थी तो मेरे को जो चीज़ मतलब नॉर्मल होती थी वो ज़्यादा ईजी लगने लगती थी।
हूँ, तो दैट हेल्प मी। बाकी जेई और नीट में मतलब तुम्हें करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम वही क्वेश्चन है लिमिटेड, उनकी बार बार प्रैक्टिस करके रिफाइन करो खुद को अच्छे से। जेई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड होता है एंड नीट में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होते हैं। कॉलेज काफ़ी अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि 11th में आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, बट अब आई एम सोशलाइजिंग विद पीपल। जैसे क्या होता है कि तुम जब कोचिंग में होते हो तो मोस्टली सब लोग सेल्फ ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, तुम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, बट वंस यू कम टू कॉलेज तुम लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हो, और जो तुम्हारे कॉलेज में फ्रेंड्स बनते हैं वो तुम्हारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहने वाले हैं, तो उस टाइम पे कॉलेज में तुम फन और स्टडीज दोनों को बैलेंस करके चल जाओ। जैसे लास्ट टाइम आ चुका है बिल्कुल, बस फिर ऑलमोस्ट 50 डेज बच गए नीट के लिए, तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि तुम नई चीज़ों की तरफ मत जाओ और तुम वही रिवाइज करो जो तुमने बार बार पढ़ा है, क्योंकि अगर अब तुम नई चीज़ों की तरफ जाओगे तो दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द ओरिजिनल, मतलब जो कोर्स नीट में आना उससे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होगा उस चीज़ की वजह से, और एंड में वो चीज़ फ्रूटफुल भी नहीं है। और बाकी एक और चीज़ की, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है लोगों का फोबिया बढ़ता जाता है जिससे एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि नीट है तो नीट तो सिंपल ही आता है, एग्जाम में वही सब आएगा जो तुमने पढ़ा है, तो उसी चीज को बार बार रिवाइज करते रहो और पैनिक मत, और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, वो चीज तुम्हें हेल्प करेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट अटेम्प्ट, आई विश कि जो भी तुमने पढ़ा है 2 साल में वो चीज एंड में फ्रूटफुल हो। ऑल द बेस्ट।